असौची व्यक्तियों के घर से फल पुष्प शाक लवण काष्ठ मट्ठा दही घी तेल औषधि तथा क्षीर और शुष्कान्न को नित्य ग्रहण किया जा सकता है। अहिताग्नि श्रोत्रिय का दाह संस्कार तीनों अग्नियों से यथाविधि करना चाहिए और अनाहिताग्नि का दाह गृहाग्नि से तथा दूसरे सामान्य लोगों का दाह लौकिक अग्नि से करना चाहिए। मृत व्यक्ति के देह का अभाव शव न मिलने पर होने पर पलाश के पत्तों से उसके ही समान आकृति बनाकर सपिंडी जनों को चाहिए कि वे श्रद्धा युक्त होकर विधि पूर्वक दाह संस्कार करें। सभी बांधवों को संयम पूर्वक 10 दिनों तक मृत व्यक्ति के नाम तथा गोत्र का उच्चारण करते हुए स्नान के गीले वस्त्र पहने हुए भी एक बार जलदान करना चाहिए। प्रेत के निमित्त यथाविधि प्रातः से सायंकाल अर्थात दिन में किसी भी समय प्रतिदिन पिंडदान करना चाहिए और 4th दिन से घर के द्वार पर अभ्यागत ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। दूसरे दिन बांधवों के साथ छौर कर्म करना चाहिए। 4th दिन बंधुओं सहित अस्थि संचयन करना चाहिए। अस्थि संचयन से पूर्व श्रद्धा पूर्वक पवित्र अयुग्म विषम संख्या वाले ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। 5वें 9वें तथा 11वें दिन अयुग्म विषम संख्या में ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। इसे नव श्राद्ध जानना चाहिए। प्रेत के निमित्त 11वें 12वें अथवा किसी अनिंदित दिन में श्रद्धापूर्वक श्राद्ध करना चाहिए। इस श्राद्ध में एक पवित्र एक अर्घ और एक ही पिंड मात्र होता है। इसी प्रकार 1 वर्ष तक प्रत्येक महीने में मृत्यु की तिथि को श्राद्ध करना चाहिए। संवत्सर वर्ष के पूर्ण हो जाने पर सपिंडीकरण श्राद्ध करने का विधान किया गया है। हे द्विजोत्तमो, प्रेतादि अर्थात प्रेत पितामह प्रपितामह तथा वृद्ध प्रपितामह के उद्देश्य से 4 अर्घपात्र बनाना चाहिए और पितृपात्रों में प्रेत पात्र का अर्घ डालना चाहिए। ये समनाह इन 2 मंत्रों का उच्चारण कर पितामहादि के पिंडों में प्रेत पिंड को मिलाना चाहिए। देव श्राद्ध करने के अनंतर सपिंडीकरण श्राद्ध करना चाहिए। पहले पितरों का आवाहन कर पुनः प्रेत का आवाहन करना चाहिए। जिन प्रेतों का सपिंडीकरण कर लिया जाता है उनकी श्राद्ध क्रिया पृथक नहीं होती। जो सपिंडीकृत प्रेत का पृथक पिंडदान करता है वह पितृघाती कहलाता है। पिता के मर जाने पर पुत्र को वर्ष पर्यंत पिंडदान करना चाहिए। प्रतिदिन प्रेत धर्मानुसार उदक कुंभ एवं अन्न का दान करना चाहिए। प्रत्येक वर्ष पार्वण विधान के अनुसार सांवात्सरिक श्राद्ध करना चाहिए। यही सनातन विधि है। पुत्रों को माता पिता का पिंडदान आदि जो कार्य है वह सब करना चाहिए। पुत्र के अभाव होने पर पत्नी करे और पत्नी के अभाव होने पर सहोदर भाई करे अथवा पुत्रादि श्राद्ध न कर सके या इनके अभाव में सभी दान आदि कर्म करने के बाद समाहित होकर मनुष्य को श्रद्धापूर्वक यथा विधान जीते हुए ही श्राद्ध कर देना चाहिए। इससे श्राद्ध की अनिवार्यता स्पष्ट है। इस प्रकार मैंने आप लोगों को गृहस्थों की क्रिया विधि सम्यक रूप से बतलाई। स्त्रियों का तो पति की सेवा करना ही एकमात्र धर्म है, उनका अन्य कोई धर्म नहीं कहा गया है। नित्य अपने धर्म का पालन करने वाला और भगवान में समर्पित मन वाला वेदज्ञों द्वारा बताए गए उस परम पद को प्राप्त करता है। इति श्री कुर्म पुराणे खटसहस्रायाम संहितायाम उपरि विभागे 23वां अध्यायः। 24वां अध्याय अग्निहोत्र का महात्म्य। अग्निहोत्री के कर्तव्य श्रौत एवं स्मार्त रूप द्विविध धर्म तृतीय शिष्टाचार धर्म वेद धर्मशास्त्र और पुराण के धर्म का ज्ञान तथा इन पर श्रद्धा रखना आवश्यक। व्यास जी ने कहा, सदैव सायं और प्रातः अग्निहोत्र करना चाहिए। पक्ष के अंत में अमावस्या और पौर्णमासी को हवन दर्शेष्टि और पौर्णमासेष्टि करना चाहिए। बीज को फसल कट जाने पर नवशेष्टि ऋतु की समाप्ति पर किया जाने वाला यज्ञ एवं अयन के अंत में अर्थात 6-6 महीने पर संवत्सर के अंत में सौमिक याग करना चाहिए। दीर्घ आयु की इच्छा करने वाले अग्निहोत्री द्विज को
नवसेष्टि किए बिना नया अन्न नहीं खाना चाहिए। नवीन अन्न का अग्नि में हवन किए बिना नवान्न खाने का इच्छुक व्यक्ति अपने प्राणों को ही खाना चाहता है। प्रत्येक पर्वों में नित्य ही सावित्री होम, शांति होम करना चाहिए तथा अष्टकाओं और अनवष्टकाओं में नियम से नित्य पितरों की अर्चना करनी चाहिए। गृहस्थाश्रम में निवास करने वाले तीनों वर्णों द्विजाति का यह नियमित श्रेष्ठ धर्म है। अन्य धर्म अपधर्म कहलाता है। नास्तिकता अथवा आलस्य के कारण जो अग्नियों का आधान एवं यज्ञ से यजन नहीं करना चाहता वह बहुत से नरकों में जाता है। विप्रों अग्न्याधान आदि कृत्य न करने वाला वह दुर्मति तामिश्र अंधतामिश्र महारौरव रौरव कुंभीपाक वैतरणी असिपत्रवन तथा अन्य घोर नरकों को प्राप्त कर बाद में अत्यंजों के कुल तथा शूद्र योनि में जन्म लेता है। अतः विशेष रूप से विशुद्धात्मा ब्राह्मणों को सभी प्रकार के प्रयत्नों द्वारा अग्नि का आधान कर परमेश्वर का यजन पूजन करना चाहिए। द्विजों के लिए अग्निहोत्र से श्रेष्ठ कोई अन्य धर्म नहीं है, इसलिए अग्निहोत्र के द्वारा नित्य शाश्वत पुरुष की आराधना करनी चाहिए। जो अग्नि का आधान कर फिर आलस्यवश यज्ञ द्वारा देवता की आराधना नहीं करना चाहता वह व्यक्ति मूढ़ होता है, उससे बात नहीं करनी चाहिए। अधिक क्या वह मनुष्य नास्तिक होता है। जिसके पास सेवकों के पोषण हेतु 3 वर्ष के लिए पर्याप्त अथवा उससे भी अधिक भोजन सामग्री विद्यमान हो वह सोमपान का अधिकारी होता है। सभी यज्ञों में सोमयाग सबसे श्रेष्ठ है। सोम द्वारा सोमलोक में स्थित महेश्वर देव की आराधना करनी चाहिए। महेश्वर की आराधना के लिए सोमयाग से बड़ा अथवा उसके समान कोई यज्ञ नहीं है, इसलिए सोम के द्वारा श्रेष्ठ देव की आराधना करनी चाहिए। ब्राह्मणों की मुक्ति के लिए साक्षात पितामह ने आरंभ में ही शुभ धर्म बतलाया है। वह स्रोत तथा स्मार्त नाम से 2 प्रकार का है। 3 आवाहनीय दक्षिणाग्नि गार्हपत्याग्नि अग्नियों के संबंध से स्रोत धर्म होता है। स्मार्त धर्म को मैंने पूर्व में बता दिया है। स्रोत धर्म अधिक श्रेयस्कर है, इसलिए स्रोत धर्म का पालन करना चाहिए। कहे गए ये दोनों धर्म वेद से ही निकले हुए हैं। श्रुति तथा स्मृति के अभाव में शिष्टाचार ही 3रा धर्म होता है। परिबृंहण रामायण महाभारत एवं पुराणादि ग्रंथ सहित वेदों का धर्म पूर्वक ज्ञान प्राप्त करने वाले और दया अहिंसा सत्य आदि 8 आत्मिक गुणों से संपन्न ब्राह्मण सदैव शिष्ट कहे गए हैं। इनके शिष्ट जनों के अंतःकरण द्वारा जो समर्थित होता है विद्वानों द्वारा उसे ही धर्म कहा गया है। अन्य लोगों के अभिमत को धर्म नहीं कहा जाता, यही निश्चित सिद्धांत है। पुराण तथा धर्मशास्त्र वेदों के उपबृंहण विस्तार हैं। एक से ब्रह्म का विशेष ज्ञान होता है और दूसरे से धर्म का ज्ञान होता है। धर्म की जिज्ञासा करने वालों के लिए धर्मशास्त्र श्रेष्ठ प्रमाण कहा गया है और ब्रह्म ज्ञान के लिए पुराण उत्कृष्ट प्रमाण है। वेद के अतिरिक्त अन्य किसी से धर्म का तथा वैदिक ब्रह्म विद्या का ज्ञान नहीं होता, इसलिए द्विजातियों को धर्मशास्त्र तथा पुराण पर श्रद्धा रखनी चाहिए। इति श्री कुर्म पुराणे खटसहस्तायाम संहितायाम उपरि विभागे 24वां अध्यायः।